हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। स्पोर्ट मनी गुरुजी चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मलेशियन T10 बेस्ट के अगले मुकाबले के बारे में, जो कि खेला जाने वाला है साउथर्न हीटर वर्सेस सेंट्रल सुमेशर के बीच में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में कुछ हटके आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि आप सभी को पता है, आजकल जो मैच चल रहे हैं उसमें जो टीमें आ रही है, यूट्यूबर्स की जो टीमें आ रही है, काफ़ी ज़्यादा कॉमन टीमें आ रही है। मोस्टली लोगों की सेम टीम होती है, और जो कॉन्टेस्ट मैं लेता हूँ और जो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ उसमें काफ़ी ज़्यादा रैंक क्लैश हो रही है। तो यहाँ पर मैं आपको दो टीम प्रोवाइड करने वाला हूँ, कुछ हटके बताऊँगा, ऐसे प्लेयर के बारे में बताऊंगा जो कि इस मैच में आपको ग्रैंड लीग तक विन करवा सकते हैं। पहली जो मेरी टीम रहेगी वो रहेगी यहां पर स्मॉल लीग्स वगैरह के लिए, मतलब हेड टू हेड या थ्री मेंबर वगैरह आप खेल सकते हो या सेवन मेंबर आप खेल सकते हो। लेकिन सेकंड जो टीम यहां पर मैं आपको देने वाला हूं वो ओनली होगी ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग के लिए, थोड़ी सी रिस्की होगी और काफी लोग ऐसे प्लेयर में लेने वाला हूं, काफी लोग जिन्हें इग्नोर करेंगे और बहुत ही कमाल के प्लेयर है इस मैच में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, डायरेक्टली चलते हैं ऐप पर, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे एक एक प्लेयर के बारे में। और फ्रेंड्स, एक छोटी सी चीज बता दूं, ऐसे मैचों में मैं नोट्स पर कवर नहीं करूंगा, क्योंकि कोई मैटर करता नहीं है लास्ट मैच में क्या स्टेट्स रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई खास प्लेयर है नहीं, इतने कोई बड़े मैचेस हैं नहीं कि एक एक चीज हम वहां पर आपको बताएं। तो यहां पर मैं ऐप पर ले जाकर हालांकि स्टेप बाय स्टेप एक एक प्लेयर के बारे में आपको जानकारी जरूर दूंगा। चलिए फ्रेंड, चलते हैं ऐप पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको कहा है, कुछ हटके मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर आप देखोगे मेरी जो पहली टीम रहेगी वो स्पोलिक्स वगैरह, और जैसा कि मैंने आपको बताया थ्री मेंबर हो गए या फिर हेड टू हेड हो गया या सेवन मेंबर तक की टीम में आप यहाँ पर इस टीम को ट्राई कर सकते हो। सेकंड टीम कुछ हटके मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, जो कि आप मिनी ग्रैंड लीग और ग्रैंड लीग में जरूर से ट्राई करना। काफ़ी लोग ऐसे प्लेयर को अवॉइड कर रहे हैं जो कि काफ़ी बेहतरीन प्लेयर है, वो आपको इजीली ग्रैंड लीग यहाँ पर या फिर मिनी ग्रैंड लीग, तो ग्रैंड लीग की बात नहीं करूँगा, मिनी ग्रैंड लीग इजीली आपको वोन यहाँ पर करवा सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लें टीम वन की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे फैंटेसी में हम विकेट कीपर सेक्शन में, तो यहाँ पर आपके पास ए हकीम का ऑप्शन है, वहीं पर ए जोदी का ऑप्शन है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखोगे दो विकेट कीपर सेक्शन में दो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ए हकीम की मैं बात करूँ, इनका जो बल्लेबाजी क्रम है काफ़ी ज़्यादा नीचे रहता है, नंबर सेवन और नंबर एट पर इनका बल्लेबाजी क्रम रहता है। दस ओवर के मैच में जो प्लेयर नंबर सेवन या नंबर एट पर बल्लेबाजी करने आता है उन्हें कौन क्यों पिक करेगा। वहीं पर हम बात करें ए जोदी की, हम बात करें तो जो कि करीब नंबर फोर पर आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी आप देख सकते हो 94% लोगों ने इन्हें पिक किया। मैं भी इन्हीं के साथ जाऊंगा, क्योंकि इनका बल्लेबाजी क्रम थोड़ा सा ऊपर रहता है। फिर हम बात करें बल्लेबाजी सेक्शन में, यहां पर आप देखोगे वी सिंह की मैं बात करूं 94% लोगों ने ले रखा है। उसका रीजन शायद काफी लोगों को पता नहीं है या फिर पॉइंट देखकर लिया। यहां पर मैं आपको बता दूं एज ए बैट्समैन आप इस प्लेयर को नहीं ले सकते, एज ए गेंदबाज, ये आपको एज ए गेंदबाज लास्ट मैच में इन्होंने तीन विकेट अपने नाम किए, और इनका जो बल्लेबाजी क्रम रहेगा 10-10 ओवर का मैच है, ध्यान रखना फ्रेंड्स, बल्लेबाजी जो क्रम रहेगा वो रहेगा करीब करीब नंबर फोर या नंबर फाइव का इनका बल्लेबाजी क्रम रहेगा। फिर ए अरुदीन की मैं अरुदीन की बात करूं, जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे, लास्ट मैच में काफ़ी कमाल की पारी खेली है। फिर हम ग्रैंड लीग स्पेशल प्लेयर की बात करें एस इद्रूस, ओनली 10% लोगों ने इन्हें पिक कर रखा है, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी के साथ साथ काफ़ी अच्छी गेंदबाजी भी ये प्लेयर कर लेता है। फिर ए फेच की हम बात करेंगे, नंबर थ्री पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे, काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की थी लास्ट मैच में। ए रामली को आप रेमली को अपनी टीम में पिक कर सकते हो, नंबर फोर पर बल्लेबाजी करते हुए आपको नजर आ सकते हैं। एसएच टीम से मतलब थोड़ा सा बल्लेबाजी क्रम चेंज हो सकता है, नंबर थ्री नंबर फोर ये तो हर मैच में होता है। फिर हम बात करें बी विलास सेव की, जो कि आपको ओपन करते हुए नजर आएंगे यहाँ पर एसएच टीम से। यहाँ पर आप देखोगे जे हिमसारा, अब फ्रेंड्स ये जो प्लेयर हैं, तो फ्रेंड्स हम बात कर रहे थे इस जे हिमसारा प्लेयर की, जो कि फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा प्लेयर है, एज ए गेंदबाज, यहाँ पर आपको बल्लेबाजी क्रम में दे रखा है, एज ए गेंदबाज आपको खेलता हुआ नजर आएगा। हालांकि बल्लेबाजी आई तो बल्लेबाजी से रन बना सकता है, यहाँ पर दो ओवर पूरे करते हुए नजर आ सकता है, लास्ट मैच में भी इन्होंने एक विकेट चटकाया है, ग्रैंड लीग पिक आपके लिए ये प्लेयर बन सकता है। फिर हम बात करें ए शाहिद, आप चाहें तो पिक कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो लिया है, अगर मैं मस्ट पिक की बात करूँ तो वी सिंह और ए अरुदीन मेरे लिए आप मस्ट पिक रहेंगे, ए फेज भी अच्छा ऑप्शन है, तीन प्लेयर हमारे लिए बन जाते हैं यहाँ पर। फोर्थ प्लेयर आप चाहें तो वी बिलास की जगह यहां पर एस इद्रूस या फिर ए रेमली या जे हिमसारो को अपनी टीम में पिक कर सकते हो। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करें, एस हेटिज लास्ट मैच में नहीं खेले। फिर हम बात करें ए एम अमीर, बहुत ही नीचे इनका बल्लेबाजी क्रम है, लास्ट में शायद इन्होंने गेंदबाजी नहीं की थी। फिर हम बात करें एम गुलरेज, अब फ्रेंड्स आप देखोगे ओनली 45% लोगों ने इन्हें पिक कर रखा है, ओपन करते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ दो ओवर पूरे गेंदबाजी भी कर सकते हैं। जो प्लेयर 10 ओवर के मैच में ओपन कर रहा है, दो ओवर पूरे ओवर गेंदबाजी कर सकता है, तो उसे हम क्यों ना कैप्टन वाइस कैप्टन बनाएं। इस प्लेयर को टीम में तो लेना ही है, लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन भी आप ट्राई कर सकते हो। फिर हम बात करेंगे एम इद्रिस, आप चाहें तो पिक कर सकते हो। ए खान की मैं बात करूँ, लास्ट मैच में चार विकेट अपने नाम किए थे, बहुत ही तगड़ी गेंदबाजी की थी, और मोस्टली लोगों का ये कैप्टन रहने वाले, ध्यान रखना 10 ओवर का मैच है, दो ओवर करेंगे, लास्ट मैच में चार विकेट लिए तो हो सकता है इस मैच में विकेट ही ना मिले, काफी लोगों के यहां पर कैप्टन वाइस कैप्टन रहने वाले। हम बात करें एस सतीश की, आप चाहें तो लेकर चल सकते हो। एम सुलेमन, यहां पर मैंने इस प्लेयर को पिक किया है। अब फ्रेंड्स मेरे जो तीन ऑलराउंडर रहेंगे, एम गुलरेज, हालांकि ये तो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस है,
ए खान काफ़ी अच्छी बॉलिंग की थी, कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हो। तीसरी जो मेरी चॉइस रहेगी वो रहेगी सुलेमान की। बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ, पी सिंह ऑब्वियसली पिक रहेगी, एस मलिक। अब फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्लेयर को आपको गेंदबाजी सेक्शन में दे रखा है, आपको नंबर थ्री पर मतलब टॉप ऑर्डर कह सकते हो, नंबर थ्री नहीं कहूँगा क्योंकि 10 ओवर के मैच में बल्लेबाजी क्रम चेंज होता रहता है, लास्ट मैच में नंबर थ्री पर बल्लेबाजी करने आए थे और गेंदबाजी शायद करें या शायद ना करें, दोनों पॉसिबिलिटी कर भी सकते हैं और ना भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एस मलिक भी आपके लिए अच्छी चॉइस बन सकती है अगर गेंदबाजी पूरे दो ओवर कर लेते हैं और नंबर तीन पर आते हैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस बन सकती है। वी गुन्नी को मैंने अपनी टीम में पिक किया है। फिर आपके पास एच इस्लाम का ऑप्शन ने एक खान। अब फ्रेंड्स यहां पर आप देखोगे इस प्लेयर का नाम है अजीब खान। लास्ट मैच में इस प्लेयर ने ओपन किया था, साथ ही साथ गेंदबाजी की थी, हालांकि गेंदबाजी में काफी तगड़ी पिटाई हो गई थी इनकी, लेकिन फ्रेंड्स प्लेयर बहुत ही अच्छा है, आप चाहें तो इस प्लेयर को अपनी टीम में पिक कर सकते हो, ओपन कर सकता है एक बार फिर से अपनी टीम से। ए अली का ऑप्शन आपके पास, फिर नीचे के ऑप्शन थोड़े से डाउटफुल रहने वाले। फ्रेंड्स मेरी जो पहली टीम रहेगी उसका प्रीव्यू दिखा देता हूं। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से यहाँ पर मैं आपको रिमाइंड करवा दूँ, अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम पर फॉलो नहीं किया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हो या आप डायरेक्टली सर्च कर लेना मनी गुरुजी। लगभग 18,000 के आसपास हमारे वहाँ पर मेंबर है, ध्यान रखना काफ़ी फेक चैनल बने मनी गुरुजी से, आपको ध्यान रखना 18,000 लोग हमारे ऑलरेडी ज्वाइन है। और आप चाहे शेयर मार्केट से जुड़ी अपडेट तो मनी गुरुजी शेयर मार्केट आप सर्च कर सकते हो। अब फ्रेंड्स ये जो टीम आप देख रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया काफ़ी लोग टीम का प्रीव्यू देखने आते हैं, मुझे पता है उनके लिए वीडियो नहीं है, क्यों नहीं है वो आप समझ गए होंगे। वीडियो में मैंने आपको कैप्टन वाइस कैप्टन और ग्रैंड लीग ऑप्शन बताएं, वो प्लेयर कोई नहीं लेने वाला। ये जो टीम है काफी कॉमन सी टीम है जो कि मोस्टली यूट्यूबर आपको देने वाले। विकेट कीपर एकमात्र अच्छा चॉइस मुझे यहां पर लग रही है, वी सिंह एज ए गेंदबाज खेलेंगे, जैसा कि मैंने आपको बता दिया बल्लेबाजी आई तो बल्लेबाजी से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बी विलास ओपनर ओपन कर सकते हैं, ए अरुणी ओपन कर सकते हैं, दोनों ही अपनी टीम से ओपन करते हैं। ए फेज नंबर तीन पर बल्लेबाजी करेंगे, एम गुलरेज जो कि ओपन के साथ साथ दो ओवर पूरी गेंदबाजी कर सकते हैं, ए खान है लास्ट मैच में काफ़ी तगड़े विकेट इन्होंने चटकाए थे, 4 विकेट अपने नाम किए थे, एस मलिस एक एज ए बल्लेबाज ले सकते हो, नंबर थ्री पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। फ्रेंड्स फिर से बता दूं बल्लेबाजी क्रम चेंज हो सकता है, 10 ओवर का मैच है, लास्ट मैच में नंबर तीन पर आए थे गेंदबाजी, शायद इन्होंने एक ओवर भी पूरा नहीं किया था शायद। फिर हम बात करें वी यूनी है और पी सिंह है, ये जो टीम है कॉमन सी टीम है, काफ़ी यूट्यूबर ये सेम टीम देने वाले हैं। कैप्टन ए खान लास्ट मैच में 4 विकेट लेते, एज ए बल्लेबाज आप इससे नहीं कर सकते क्योंकि फ्रेंड्स कंसीडर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि इनका बल्लेबाजी क्रम काफी ज्यादा नीचे, लास्ट ओवर में 4 विकेट लिए थे, तो जाहिर सी बात है हम क्यों ना कैप्टन वाइस कैप्टन बनाए। लेकिन फ्रेंड्स एक हटके कुछ करना चाहते हो तो एम गुलरेज को कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर बना सकते हो, ओपन करेंगे, ओपन के साथ साथ 2 ओवर पूरे करेंगे। तो ये रहेगी हमारी स्मॉल लीग्स के लिए टीम। वहीं पर ग्रैंड लीग टीम की बात करूं, सेकंड जो टीम है फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये जो टीम रहेगी मेरी, ये टीम फ्रेंड्स ओनली मेरी यहाँ पर ग्रैंड लीग के लिए है, यहाँ पर आप देख लेना ग्रैंड लीग स्पेशल ये टीम है मेरी, आप इसे मिनी ग्रैंड लीग में भी डाल सकते हो। फ्रेंड्स ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ग्रैंड लीग आप कम खेलो, मिनी ग्रैंड लीग में ये टीम जरूर से ट्राई कर लेना, अगर चल गई तो बहुत ही बड़ा पैसा आपको यहां से विन करवा सकती है। हम बात कर लेते हैं टीम की, विकेट कीपर सेम रहेंगे, वी सिंह मेरे वाइस कैप्टन रहेंगे यहाँ पर क्योंकि बल्लेबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, एस इर्दुस बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों करेंगे, जे हिमसारा बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, ए अरुदीन ओपन करेंगे, एम सुलेमान एम गुलरेज को मैंने इसलिए कैप्टन बनाया क्योंकि ओपन करेंगे, साथ साथ दो ओवर पूरे कर सकते हैं, ए खान को लिया लास्ट मैच में 4 विकेट लिए, वी उन्नी अजीब खान ओपन के साथ साथ गेंदबाजी कर सकते हैं, पी सिंह ये टीम। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखो कि तीन प्लेयर मैंने थोड़े से चेंज किए, दोनों ही गेंदबाज को मैंने यहाँ पर पिक किया है, यहाँ पर आप देखोगे मैंने अजीब खान को लिया है, तीन ऐसे प्लेयर लिए हैं जो कि लोग आज के मैच में अवॉइड करेंगे, प्लस मोस्टली लोगों के कैप्टन होंगे ए खान जो कि गेंदबाजी करेंगे, लास्ट मैच में 4 विकेट लिए थे लेकिन 10 ओवर का मुकाबला है, ग्रैंड लीग और मिनी ग्रैंड लीग में आपको रिस्क लेना पड़ेगा। हम यहाँ पर सेफ जाएंगे गुलरेज के साथ में क्योंकि ओपन के साथ 2 ओवर करेंगे, वी सिंह गेंदबाजी के साथ साथ 3 विकेट लिए थे लास्ट मैच में, गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी भी करेंगे, तो काफ़ी अच्छी टीम हमारी बन जाती है। वीडियो का अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, बाकी फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम है ही, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो या डायरेक्टली सर्च कर लेना मनी गुरुजी। 18,000 से ज्यादा मेंबर है, ज्यादा पॉसिबिलिटी, ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके लिए रखता है वो टेलीग्राम क्योंकि टॉस के बाद में आपको वहीं पर अपडेट दी जाती है।